आज हम जानेंगे नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो कि बहुत यूजफुल है, इसका एक्सप्लोशन TNT बनाने में यूज होता है, इसका और भी जगह यूज होता है, जहां फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया वहां भी यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में भी कंपनियां में यूज होता है, जो दवाइयां बनाई जाती हैं। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कई प्रोसेस हैं लेकिन हम इसको चूज करते हैं, ये हम लोगों के सिलेबस में है डिप्लोमा में। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एयर लेते हैं कंप्रेस करके, कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस्ड एयर लेते हैं और यहाँ से NH3 लेते हैं, NH3 स्टोरेज से। इसको क्या करते हैं, 1:8 के अनुपात में हम इसमें कन्वर्टर में डाल देते हैं, यहाँ कन्वर्टर में डाल देते हैं। कन्वर्टर में क्या होता है, एक स्क्रीन टाइप इसमें लगे रहते हैं, स्क्रीन लगे होते हैं 10 से 30 के बीच में स्क्रीन लगे होते हैं, जो कि लगभग स्क्रीन्स होते हैं जो कि लगभग 60 से 80 मेश नंबर के होते हैं, जो कि 60 से 80 मेश नंबर के होते हैं। ये PT प्लेटिनम और RH रोडियम के एलॉइंग से बनाई जाती है। ये जो स्क्रीन होती है PT और RH के एलॉइंग से बनाई जाती है। ये क्या होता है, NH3 और O2 को रिएक्ट कराने के लिए, कन्वर्टर में रिएक्ट कराने के लिए ये उत्प्रेरक का काम करता है PT और RH। इसमें क्या आता है, जो NH3 हम डालते हैं और जो H2 एयर डालते हैं उसका O2, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये जो रिएक्शन होता है प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और ये जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे बहुत सारा हीट और वाटर निकलता है। ये जो बनता है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है NO का और प्लस H2O बनता है और इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 मोल NH3 और 5 मोल O2 रहेगा तो ये बन जाएगा हमारा 4 मोल NO और 6 मोल H2O। ये एक्सोथर्मिक है इसीलिए ΔH इसमें से निकलता है, हीट निकलती -21.6 किलो कैलोरी। इसमें जो होता है NH3 का 95% कन्वर्जन हो जाता है, 95% कन्वर्जन हो जाता है NO में। और जो NO निकलता है बहुत ज़्यादा हार्ट होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसको पहले क्या करते हैं, जो वाटर होता है हमको वाटर होता है सुपर हीटर में ले जाके हम इसको इवेपरेट करवा देते हैं। इसको इवेपरेट करवाते हैं तो यहाँ भी इसका टेम्परेचर बढ़ता ही है, इवेपरेट कराते हैं तो स्टीम निकलती है, तो इसको प्रोसेस स्टीम में कहीं यूज करना हो यूज कर लेते हैं, या जो कंप्रेस किया जाता है एयर कंप्रेसर में वहाँ टरबाइन लगी होती है, टरबाइन के लिए हम यूज के लिए वहाँ भेज देते हैं। और फिर क्या करते हैं, यहाँ से जो NO निकलता है हार्ट होता है तो इसको हम पहले ठंडा कर लेते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हम इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे ठंडा कर लिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O से NO को। अब ठंडा करने के बाद क्या होता है, हम इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टावर में। इसका यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, NO का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है O2 के साथ और ये बन जाता है 2NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे जो है NO से जो O2 रिएक्ट करता है, यहाँ पे हम डालते हैं पहले जो ऑक्सीडेशन टावर होता है हम उसमें एयर भी डालते हैं, यहाँ से ऑक्सीडेशन टावर में हम एयर भी डालते हैं जहाँ पे NO का नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन होके 2NO2 बना लेता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग टावर जो होता है इसका टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है जिसपे इसका कन्वर्जन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, NO2 को हम नीचे से इधर से डाल देंगे NO2 को, ऊपर से हम वाटर डालेंगे H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO, ये डाइल्यूट मिलता है हमको, डाइल्यूट HNO3 बच मिलता है हमको। ये जो होता है लगभग कितना होता है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाइल्यूट होता है।
यहाँ पे जो डाइल्यूशन होता है इसका, जो हमको HNO3 मिलता है वो 20 से 35% तक डाइल्यूट होता है। हम क्या करते हैं, अगर हमको और डाइल्यूट चाहिए तो हम बार बार इसको क्या करेंगे, HNO3 को इस टावर में NO2 के साथ एब्जॉर्व करवाएंगे, जिससे इसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, 70% तक हो जाती है। अब जो भी हमारा HNO3 जितना भी परसेंट हमारा हुआ है कंसंट्रेट, और अब इसमें जो होता है नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी होते हैं, H2O भी होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम में जब डाल के हीट करके डालेंगे तो इसका वेपर बनता है कुछ, तो वेपर जब डिस्टिलेट जो हमको प्राप्त होता है, डिस्टिलेट जो प्राप्त होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उसी कंसंट्रेशन का H2SO4 हम डाल देते हैं इसमें। अब H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटेड होता है। ये डिहाइड्रेटेड H2SO4 क्या करता है, HNO3 से H2O जो होता है अपने अंदर ले लेता है H2O को, तो यहां से हमारा जो मिलता है फाइनल एक कंसंट्रेट HNO3 मिलता है 57 से 60% तक। और इसमें जो यील्ड होता है वो, अगर हम NH3 जितना डाले हैं, NH3 और एयर जिस मात्रा में डाले हैं, उसका 93 से 96% मैक्सिमम जो है हमारा यील्ड प्राप्त होता है। ये है पूरा HNO3 का बनाने का प्रोसेस। थैंक यू।